तो हेलो यूट्यूब फैमिली, आई एम योर होस्ट यश एंड स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ नेटफ्लिक्स की मोस्ट अवेटेड सीरीज जिसका नाम है पैरासाइट द ग्रे, जो कि एक साइंस फिक्शन थ्रिलर की कैटेगरी में फॉल करने वाली सीरीज है जिसके टोटल 6 एपिसोड हैं, जिसमें से हर एपिसोड की लेंथ 40 से 50 मिनट की बीच है, जिसे मैंने अभी अभी हिंदी में देखकर खत्म किया। तो कैसी है ये सीरीज और क्या ये आपका कीमती समय डिजर्व करती भी है या नहीं, तो आपके इन्हीं सवालों का जवाब मैं दूंगा आगे इस वीडियो में। और हाँ, इस 2 मिनट की वीडियो को एंड तक देखना, शायद इस 2 मिनट की वीडियो से आपके कई घंटे बर्बाद होने से बच जाएं। अब बात करें स्टोरी की, तो आप कहानी देखते हैं कि दुनिया पर अंतरिक्ष से आए कुछ पैरासाइट्स ने हमला कर दिया है, जो कि इंसानों के दिमाग में घुसकर उनकी बॉडी का कंट्रोल हासिल कर रहे हैं और उनको मॉन्स्टर्स में बदल रहे हैं। और इन पैरासाइट्स का उद्देश्य है धरती पर मौजूद सभी इंसानों को अपने कंट्रोल में लेना। अब ऐसे में आपको 3 मेन कैरेक्टर्स की कहानी देखने को मिलती है, जिसमें से जो हमारी एक्ट्रेस है वो पैरासाइट की चपेट में आ चुकी है, और जो हमारा हीरो है वो अपनी बहन को ढूंढ रहा है, और एक तरफ एक लीडर है जिसने एक टास्क फोर्स बना रखी है जिसका नाम है द ग्रे, जिनका मिशन है पैरासाइट्स का खात्मा करना। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये तीनों अपने मिशन में कामयाब हो पाते हैं और आखिर ये पैरासाइट्स आए कहाँ से, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को जिसका नाम है पैरासाइट द ग्रे। अब बात करूँ मैं अपनी ओपिनियन की, तो उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए इसी तरह और भी वीडियोस बनाता रहूं। अब आप सभी के लिए सबसे पहले ये जानना बेहद ज़रूरी है कि यह सीरीज़ एक लाइव एक्शन अडाप्टेशन है मंगा नाम की एक एनिमे सीरीज़ का। ये एक फास्ट पेस्ड ब्रूटल सीरीज है, स्टोरी आपको स्टार्ट टू एंड बांधे रखेगी, इसका एक्शन आपको बहुत ही पसंद आने वाला है, जो भी कुछ मॉन्स्टर्स एंड क्रिएचर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे उन्हें देखकर आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। स्टोरी को एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में प्रेजेंट किया गया है, जिस वजह से आपको कहीं भी बोरियत फील नहीं होगी। सीरीज ब्लड वॉयलेंस ब्रूटल एक्शन से भरी पड़ी है, करेक्टर्स की परफॉर्मेंस और उनकी डेवलपमेंट भी डिसेंट है। अब बात कर लेते हैं सीरीज की क्रिटिक रेटिंग की, तो IMDb ने इसे 7.3 out of 10 और रोटेन टोमेटो ने एक 100% की इनिशियल रेटिंग दी है। तो बात करूं मैं अपने फाइनल वर्डिक्ट की, तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि ये सीरीज एक फन टू वॉच वाला कंटेंट है, जिसे मैं सभी के लिए रेकमेंड करूंगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एंजॉय।